आज की मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास तहवील अल राजी का एटीएम का कार्ड है तो आप तहवील अल राजी की ऐप की मदद से आप अपने मुल्क बहुत ही आसानी के साथ अपने ही मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। अब यहाँ पर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड, ये दोनों डालने के बाद आपको करना है लॉगिन पर क्लिक। अब आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर अल राजी बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, तो वही ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जब आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा तो पहले तो सबसे पहले आपको इसमें डिपॉजिट करना होगा। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो है 1000 रियाल डिपॉजिट किया हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि इसमें डिपॉजिट कैसे किया जाता है तो उस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो जब आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो फिर देखिए यहाँ पर है ट्रांसफ़र्स, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक। फिर यहाँ पर है चूज ट्रांसफ़र टाइप, तो इस पर भी आपको कर देना है क्लिक। तो अब यहाँ पर है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू बैंक, आपको इस पर करना है क्लिक। लेकिन अगर आपको कैश पैसा भेजना है, अभी तो जो है यहाँ से कैश भी आप पैसा भेज सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस पर करना है क्लिक। और कैश पैसा कैसे भेजा जाता है इस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो। तो खैर अभी हमको पैसा बैंक में भेजना है इसलिए हमें इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू बैंक पर करना है क्लिक। फिर उसके बाद आपको कर देना है ओके पर क्लिक। तो देखिए अब यहाँ पर है चूज योर बेनिफिशियरी, तो आपको इस पर करना है क्लिक। और आपके बैंक में जितने भी बेनिफिशियरी आपने ऐड किए होंगे वो सारे बेनिफिशियरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अभी आप बेनिफिशियरी जो है अपने मोबाइल से ही ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आपको बैंक में भी जाना नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है कि बेनिफिशियरी कैसे ऐड किया जाता है तो उस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो खैर जिनके पास आप पैसा भेजना चाहते हैं उनके नेम के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। तो फिर देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट, तो आपको इस पर करना है क्लिक। तो फिर देखिए सऊदी का 1 रियाल और आपके मुल्क का कितना रेट मिल रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सऊदी का पैसा भेजना है जैसे कि 1000 2000 जितना भी आपको पैसा भेजना है यहाँ पर आपको उसको डाल देना है। जब आप यहाँ पर पैसा डाल देंगे सऊदी का तो आपके मुल्क का कितना पैसा बनेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने मुल्क का पैसा भेजना है, जैसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमको अपने मुल्क का 10,000 20,000 या 50,000 1,00,000 पूरा भेजना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपने मुल्क पर क्लिक करके आपको कितना पैसा भेजना है उसको आपको यहाँ पर डालना है, जितना भी आपको भेजना है। जैसे कि अगर आपको 50,000 भेजना है तो यहाँ पर आपको वो पैसा डालना है। तो जब आप अपने मुल्क का पैसा यहाँ पर डाल देंगे तो वो सऊदी का कितना रियाल बन जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आपको पैसा डाल देना है। तो अभी हमको अभी 500 रियाल भेजना है, अभी हमको नहीं भेजना था लेकिन बस ये वीडियो कंप्लीट बनाने के चक्कर में मैं ये पैसा भेज रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से नहीं भेजूँगा फिर ये जो है वीडियो कंप्लीट नहीं बन पाएगी, फिर आप लोग बोलेंगे कि जो है वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं बना है। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों के लिए मैं जो है ये 500 रियाल भेजता हूँ। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र फीस फ्री है, अभी जो है यहाँ पर कुछ नहीं लिया जा रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र चार्जेस जो है 00 है और यहाँ पर देखिए फ्री है। तो आपने जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है उसको आपको ये सब डालने के बाद आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। तो फिर अब यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर है फैमिली, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक। फिर ओके पर कर देना है क्लिक। फिर यहाँ पर भी क्लिक करें
आप उसको इस पर ही रहने दें, आप यहाँ आप इसमें कुछ ना करें। तो अब यहाँ से डायरेक्ट आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर अपना नेम वगैरह डाल सकते हैं। तो फिर जो है ये जब आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पर जो है आपको अपना नेम भी वहाँ पर आ जाएगा। तो फिर आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। फिर देखिए आपके सामने यहाँ पर सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आप एक बार यहाँ पर अच्छे से चेक कर लें, अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको कर देना है सेंड पर क्लिक। तो ये देखिए हमारा पैसा सेंड हो चुका है। अब इस पर क्लिक करके आप इसको किसी के पास भेज भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप जो है किसी के पास इसको सेंड भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स जो है देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, तो इस नंबर को आपको याद से कॉपी करके लिख करके नोट करके रख लेना है, क्योंकि इसी नंबर से जो है आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैसा आपके घर पर पहुंचा है या नहीं। तो खैर डन पर क्लिक कर दें। और ये देखिए हमारे मोबाइल पर जैसे कि मैसेज भी आ चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि जो है हमारे बैंक से पैसा कटा है या नहीं। तो उसके लिए हमको होम पर क्लिक करता हूँ मैं, और फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे कि पहले हमारे बैंक में था 1000 रियाल, अभी जो है 500 रियाल हो चुके हैं। अगर आपको इसका पूरा हिस्ट्री चेक करना है उसके लिए आपको इस पर करना है, इस पर कर देना है क्लिक। और देखिए यहाँ पर है ट्रैक योर पेमेंट, आप इस पर क्लिक करके जो मैं अभी आपको रेफरेंस नंबर बताया था वही नंबर आप यहाँ पर डाल करके आप जो है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।